बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन आज़ादी का दिन, खुशियों का दिन। हम सब यहाँ जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए कि हम आज आज़ाद हैं, आज़ाद घूम फिर सकते हैं। मज़हब के हवाले से आज़ादी है, सियासी हवाले से आज़ादी है, हर लिहाज से आज़ादी है। लेकिन ये जश्न जश्न मनाते हुए हमें ये भी देखना चाहिए कि ये जो आज़ादी हासिल हुई है, इसके पीछे कितनी कुर्बानी है। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी, खून दिया इस मुल्क को बनाने में, इज्जतें पामाल हुई, मुल्क बना। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए ये अहद करने के लिए कि इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए हम अपना किरदार अदा करें, हम काम करें जोश जज्बे के साथ, मेहनत के साथ, कि हम इसे दुनिया में एक मुनफरद मुमलिकत बनाए। क्योंकि इस मुमलिकत को बनाने के लिए जो नारा लगाया गया था ला इलाहा इल्लल्लाह का, कि उसका पूरी दुनिया में हम ये जाहिर करें कि जिस नारे पे ये मुल्क बना है, उसी नारे की वजह से ये मुल्क दुनिया में सबसे मुनफरद है। दूसरा अहद ये है कि अगर इस मुल्क को ये ज़रूरत पड़ती है इसकी हिफाज के लिए, किसी जान की कुर्बानी के लिए, तो हम सब ने ये अहद करना है, इस मुल्क को हमने बचाना है, ता कयामत इसको ज़िंदा रखना है, इसको कायम रखना है। उसके लिए मैं एज ए मेम्बर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, हमारी पाक फ़ौज, हमारे जितने भी दीगर इदारे हैं, हम ये अहद करते हैं आज के दिन कि अगर इस मुल्क को, इस मुल्क की हिफाज के लिए हमारी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, तो हम सब देंगे, आप भी और मैं भी। जब दूसरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ स्पीच के लिए आ रहे थे, तो मैं उन्हें इशारे कर रहा था कि एक मिनट से ज़्यादा बात नहीं करनी। उन्होंने मेरी बात की पासदारी रखी, तो अब वो मुझे भी देख रहे हैं कि आप तो एक मिनट से ऊपर चले गए। तो इस शेर के साथ मैं ये अपनी स्पीच खत्म करता हूँ। फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का कौन दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। बहुत शुक्रिया सामने। आपकी तरफ से आपका बहुत जज्बा नजर आना चाहिए।